के बाद तो ये माना जाएगा कि सही है कि सरकार ने वैक्सीन निकाल के बहुत अच्छे किए। देखिए आप पहला रिएक्शन देख रहे हैं, आप जैसे ही जानकारी आई हम लोगों के बीच पहुंचे हैं और जो पेरेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मैम बच्चों की वैक्सीन मंजूरी दे दी गई है, क्या सोचते हैं आप? देखिए बच्चों के लिए मैं ये सोचती हूँ कि डेफिनेटली पहले बच्चों की ही आनी चाहिए थी, और बिना वैक्सीन आए जो स्कूल खोल लिए गए हैं दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अभी जैसे अपने यहाँ भोपाल में 5th से लेकर 12th तक के स्कूल खुले हैं, 10th वालों का तो चलो 18 है तो वो आ रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो सरकार ने बहुत गलत किया है। उन्होंने स्कूल नहीं खोलने थे जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती, क्योंकि अगर एक छोटे बच्चे का बच्चा अगर बीमार होता है तो पूरा परिवार उससे इफेक्टेड होता है। स्कूल क्या ले रहे हैं कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब आप बच्चों को स्कूल भी बुला रहे हैं चूँकि आपको फीस चाहिए है, और आप ऊपर से पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे व्यवस्थाएं अगर आप नहीं दे रहे हैं तभी बच्चा बीमार पड़ेगा, और अगर बच्चा बीमार पड़ रहा है तो स्कूल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टोटल पेरेंट्स पर छोड़ दिया गया था। आप ये खुशखबरी मानती हैं 2 से 18 साल तक जो है बच्चों को वैक्सीन लग सकेगी? बिल्कुल सही बात है और बहुत ज़रूरी है। हम बड़े हैं, हमको अगर कोई बीमारी होती है तो हम बता पाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको टीके लगे। देखिए मतलब जिससे भी हम बात कर रहे हैं सब अच्छा फील कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ फैमिली यहाँ पर हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। मैम 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग सकेगी, आज ही मंजूरी मिली है, क्या क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो मैंने लगनी ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि बड़ों को तो लग चुकी है पर बच्चों को नहीं लगी। अब बच्चों को ज़्यादा खतरा है इससे कि वैक्सीन तो बहुत जरूरी है। बच्चों को स्कूल भी खोल दिए गए थे, देखिए ये तो बहुत ही, मैंने अभी कुछ कम से कम दिसंबर तक तो स्कूल अभी नहीं ओपन करना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपके फैमिली में भी बच्चे होंगे, आप वैक्सीन लगवाएंगे उनको? मेरे फैमिली में बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब 18 इयर्स के ऊपर है, पर अड़ोस पड़ोस जो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स से जो बात होती है उन लोग तो मना करते हैं कि उन लोग स्कूल भी अभी नहीं भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो अभी ये नहीं होना चाहिए था, ओपन नहीं होना चाहिए। ये बच्चों को वैक्सीन आ गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम वेट ही करते क्योंकि ट्रैवल बहुत करना होता है, तो वैक्सीनेशन अगर लग जाएगा बच्चों को और वो सेफ है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आपने वैक्सीन लगवाई आपने? हाँ, मेरा दोनों डोज हो गया। आपको इंतजार था कि बच्चों की वैक्सीन आएगी? हाँ, था। अच्छा वैक्सीन लगना शुरू होगी तो क्या फर्स्ट डे ही आप लगवाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। हाँ? थोड़ा मतलब रिव्यूज मिल जाए कि मतलब कोई साइड इफेक्ट ज्यादा तो नहीं है तभी लगाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट 2 इयर्स कम्प्लीट किए तो शी इज टू स्मॉल, और जो गाइडलाइन है उसमें 2 ईयर टू 18 ईयर। आपकी नॉलेज में है ये बात? नॉलेज में है। देखिए अभी भी पेरेंट्स का, हालांकि देखिए बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, रिव्यू भी देखना होगा, आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के लिए वैक्सीन मंजूरी मिल गई है, क्योंकि अब जो थर्ड वेव का कह रहे हैं वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इट्स वेरी गुड कि बच्चों के लिए मंजूरी मिल गई है। तो मतलब बट ये है कि स्टडीज़ पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि कुछ इफेक्ट ना हो बच्चों पे, जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए, तो अगर पूरी स्टडी के बाद मंजूरी मिली है तो इट्स वेरी गुड। तो वही ये जो आपने बात कही है कि थर्ड वेव है बच्चों पर इफेक्ट डालने वाली बताई जा रही थी, है ना, लेकिन गवर्नमेंट को जो भी है आपको की मंजूरी मिल गई है, आप इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है ना? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, वेल प्लानिंग ज़रूरी है, और बच्चों मतलब बच्चों में बट ये है कि इम्यूनिटी कम होती है थोड़े छोटे बच्चों की, तो हमें देखना चाहिए कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट ना हो बच्चों पे वैक्सीन का, अगर पूरी स्टडी के बाद मंजूरी मिली हो तो इट्स वेरी गुड। देखिए स्टडी तो हुई होगी, आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, वैक्सीन आ गई बच्चों के लिए, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा डिसीजन। अभी तक यही कहा जा रहा था ना कि थर्ड वेव है, फिर स्कूल खोल दिए गए और बच्चे तो पेरेंट्स के साथ बाहर आ ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, बहुत अच्छी बात है कि आ गई है। देखिए दरअसल हम बाजार में हैं और तमाम पेरेंट्स हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। जो डिसीजन हुआ है बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जाहिर तौर पर सब खुश हैं, इस बात का उनको इंतजार भी था कि आखिरकार वैक्सीन बच्चों की कब आएगी। मैम बच्चों की वैक्सीन आ गई है 2 से 18 साल के लिए,
क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। वैसे भी हम बच्चों को लेके मार्केट में घूम रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। और थोड़ा लेट हुआ बट कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। थोड़ा सा लेट हो गया है ना थोड़ा। हाँ, जैसा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी ये बहुत अच्छा फैसला है डॉक्टर। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, क्या आप जो वैक्सीन आ रही है, देखिए पेरेंट्स को संकोच कर रहे हैं कि हम रिव्यू देखेंगे, आपका सजेशन क्या है? नहीं नहीं, देखिए ना, अडल्ट्स पे भी तो सक्सेसफुल हुआ ही है ना। हाँ। क्यों नहीं हो, गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला अगर ले रही है तो बिना प्रूविंग के तो वैक्सीन आता ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबिलिटीज तो हो ही नहीं सकती। फैल आप 99.99% तो फेलियर होंगे ही नहीं। अडल्ट्स में भी तो हुआ ही है ना, एक दो किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, बाकी तो सब ठीक ही है अभी तक। तो, चल रहा है तो क्या क्या आपको मौका मिले फर्स्ट डे वैक्सीनेशन कराने का, स्टार्ट हो जाए आपको, आप अपने बच्चे कराऊंगी? मैं तो बिल्कुल एग्री, 100% एग्री हूँ कि मैं अपने बच्चे को ले जाके वैक्सीनेशन करूं। कितने साल का, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? यथार्थ। ओके ओके, आपको पता है वैक्सीन आ गई बच्चों की कोरोना से? आपको पता है आपको कोरोना है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वैक्सीनेशन इंजेक्टेबल नहीं है, ये मुझे सुनने में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखिए हम बात कर रहे हैं, वो खुद डॉक्टर हैं और जाहिर तौर पर है कुछ पेरेंट्स को जरूर, चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा संकोच है कि उनको वैक्सीन लगवाए ना लगवाए, लेकिन डॉक्टर्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि जो है तुरंत वैक्सीन लगवाना चाहिए और अपने बच्चों को भी पेरेंट्स वैक्सीन लगवाएंगे, ये हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा अभी संकोच है कि वैक्सीन लगवाई जाए ना लगवाई जाए। चलिए, हम बाज़ार में हैं और ख़ास तौर पर ऐसे पेरेंट्स से हम बात कर रहे हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को लेकर मार्केट में निकले हुए हैं। देखिए, डर तो है, खौफ तो है, लेकिन मजबूरी है, वो मजबूरी में बच्चों को लेकर आना पड़ रहा है पेरेंट्स को। लेकिन जैसे ही सूचना पहुंच पा रही कि हाँ वैक्सीन आ गई है बच्चों की, मंजूरी मिल चुकी है, तो सभी पेरेंट्स का कहना है कि वो एक खुशखबरी है, खुशी की बात है, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे भी लोग, थोड़ा सा संकोच भी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए या ना लगवाई जाए। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, बच्चों की वैक्सीन आ रही है। जी जी, आप लगवाएंगे बच्चों को? बिल्कुल लगवाएंगे, तो देखिए वेट ही कर रहे हैं कि यार कब शुरू हो जाए। अच्छा, वैक्सीन लगवाएं जी। 2 से 18 साल के बच्चों को मंजूरी दे दी है? ठीक है। अच्छा है, 2 से 18 जी। अच्छा है, अच्छा है जी जी, है ना। आप अपने ये क्या, आपका? मेरा बालक ही। अच्छा, आपका बेटा है, कितने साल का है? ये 12 साल का है। 12 साल का, लगवाएंगे आप? जी बिल्कुल लगवाएंगे। बेटा, वैक्सीन आ गई है, आपको पता है कोरोना क्या है? पता है? नहीं पता आपको? कितनी आपका खुशी की बात है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी की बात है ना, अगर 2 साल सब 18 साल तक के लिए आई है, अभी तक सुनने में आया था कि 12 साल के ऊपर है, तो एक्चुअल में हर जगह जैसे बच्चे अभी स्कूल भी पहुँचा रहे हैं तो उन्होंने बोला वैक्सीन लगा के आना जरूरी है, तो अब आ गई है तो कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है जी। जो तीसरी लहर की बात कही जा रही थी कि वो तो बच्चों के लिए खतरा थी। हाँ बिल्कुल, बच्चों के ही तो बात आ रहा था न्यूज़ पे सारे, ये अब जो अटैक आने वाला है वो बच्चों के ऊपर ही आने वाला है, तो हमको तो बहुत खुशी हो रही है, है ना। आपका जल्द जल्द शुरू हो जाए? जी जी बिल्कुल, अगले हफ्ते से शुरू हो जाए। आप तो बिल्कुल ले गए थे। हम मौसम भी ठंडी का आ गया थोड़ा सा, उससे दिक्कत भी नहीं आएगी बच्चों को। बच्चों को नहीं आएगी प्रॉब्लम? देखिए, हम बाजार में हैं, भैया आपने भी सुना होगा वैक्सीन आ रही बच्चों की। ये बहुत अच्छी बात है सर, अगर वैक्सीन आ रही तो सभी, जैसे बड़े लोगों को तो लगी चुकी है, छोटे बच्चों को लिए तो और अधिक जरूरी है। अच्छा, ये जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर, है ना, देखिए आपकी शॉप तो ऐसी यहाँ पर कि छोटे बच्चे बिल्कुल जिद कर देते हैं, डर रहता है पेरेंट्स को बच्चों को लेकर? रहता है ना, बिल्कुल है, डर तो आई है सभी के उसमें मन में बैठा है कि हमारे बच्चे सब स्वस्थ रहें, सभी को लगता है, चाहे अपने बच्चे हों या दूसरे के बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। आपके भी बच्चे होंगे ना घर में, तो आप लगवाएंगे वैक्सीन? बिल्कुल लगवाएंगे, हम तो दूसरी दोनों डोज लगवा चुके हैं, माता पिता सभी को लगवा दिए हैं, हम तो इंतजार में ही बैठे हैं कि जिस दिन चालू हो जाएगी तो पहला नंबर अपन ही लगाएंगे। देखिए, आप पेरेंट्स को सुनिए, इंतजार है इस बात का कि बच्चों की वैक्सीन जैसे ही शुरू होगी पहले दिन फर्स्ट डोज उनके बच्चों को लग सके, वो इसका प्रयास करेंगे। और देखिए, हमारा पूरा फोकस ऐसे पेरेंट्स पर है जो अपने बच्चों को लेकर बाजार में निकले हैं। बच्चों जो पेरेंट्स हैं बच्चों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव तो हैं ही, उनको डर तो है ही, लेकिन वैक्सीन की जानकारी कई ऐसे पेरेंट्स से जिन तक नहीं पहुंच पाई है, और हम यही मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक खास फैसला हुआ है, खास डिसीजन हुआ है, जिसमें
बच्चों की वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि बच्चों को वैक्सीन कब से लगेगी इसका शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर सरकारों ने जो तैयारी की थी, माना जा रहा है कि जल्दी वैक्सीनेशन भी आगे शुरू हो जाएगा। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं। मैम, बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है 2 से 18 साल तक के, क्या कहेंगे आप? इंतज़ार तो होगा ना, 2 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको मंजूरी मिल गई है वैक्सीन लगाने की, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, लगना चाहिए वैक्सीन। ये बेटी आपकी है? हाँ, मेरी बेटी है। अपने बेटी को लगवाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल लगवाऊंगी। लगवाएंगे, कोई डर कोई नहीं, कोई डर नहीं, बचना है इससे, संक्रमण से बचना है तो लगवाना ही चाहिए। अच्छा है, सरकार अच्छा कर रही है। आपको इंतजार था? हाँ, मेरे को वेट था कि कब, मुझसे पहले मेरे बच्चों का वेट था कि भाई अब, लेकिन अब सेटिस्फाइड है कि हम लोगों को कुछ नहीं हुआ तो बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बेटा, क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, आप वैक्सीन लगवाएंगे? वो तो बहुत नहीं लगवाएंगे। कह रही है कि मम्मा मुझे कब लगेगी, सबको लग गई, मुझे कब लगेगी। अच्छा, वो खुद वेट कर रही है मेरे से। आप वेट कर रहे हैं वैक्सीन का? एक्चुअली कोविड हो चुका था। अच्छा, कोविड हो चुका है? हाँ, हो चुका था, इसलिए तो मैं वेट कर रही हूँ कि मैंने ये सफ़र कर लिया तो और बाकी बच्चे सफ़र ना कर सके, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब बच्चों को। आप, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई थी कोविड के बाद? अब वो तो कोविड ही एक अपने आप में मेजर प्रॉब्लम है ना, तो अब इससे हम लोगों ने मतलब पूरी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह ली और इख्तियात बरती, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लगना चाहिए वैक्सीन सब बच्चों। देखिए, बच्चे ऐसे भी हैं जो कोविड का शिकार हो चुके हैं, और ख़ासतौर पर जो जिन पेरेंट्स ने इसको बहुत करीबी से देखा है कोविड को। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं। भैया, क्या हाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बच्चों की वैक्सीन आ गई है, 2 से 18 साल तक के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। हाँ, बहुत अच्छा है, तो पहले ही आ जाना था ऐसा, क्योंकि क्या स्कूल खुल गए हैं, कई बच्चे इफेक्टेड भी हुए थे अभी बीच में। हाँ, पेपर में ही पढ़ा था मैंने, तो बच्चों को तो जो है अपने को संभाल के रखना है, आने वाली पीढ़ी है, तो इसलिए वैक्सीन लगवाना अच्छा है। बच्चे तो आपके भी होंगे? जी जी जी। कोई संकोच है, जैसे कि वैक्सीनेशन जब शुरू हो जाएगा? हाँ, क्या फर्स्ट डोज लगवाएंगे आप? क्यों नहीं लगवाएंगे, सब हमने लगवाया तो बच्चों को भी लगवाना पड़ेगा। ऐसा जी। आपके कितने डोज हो चुके? दोनों? दोनों हो गए। आपकी फैमिली में? फैमिली के सभी के हो गए। सभी के हो गए, बस छोटे बच्चे ही बच्चे हैं, बस छोटे बच्चे बने। उनको लेकर तो को डर तो रहता है, क्योंकि जो तीसरी लहर की बात है, और फिर दूसरा क्या कि वैक्सीन लगने से सेफ भी है आदमी। हाँ, अभी तक के तो जो है जिनको वैक्सीन लगी सभी सेफ हैं, है ना। नई वैक्सीन वालों में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बाकी जो वैक्सीन लगी हुई उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिकवर भी हो जाता है। एक थर्ड वेव जो कहा जा रहा था कि थर्ड वेव आएगी तो सबसे ज्यादा बच्चे इफेक्टिव होंगे। हाँ, बच्चे तो आप तो कह सकते हैं कि यदि वैक्सीनेशन शुरू हो जाए बच्चों का तो फिर तो ये तो रामबाण औषधि है। नहीं, रामबाण भी और नहीं, अभी क्या सीजन भी चल रहा है, तो अभी अगर आप जाकर के देखो अस्पताल में तो अभी जो बच्चों की आपको तादाद ज्यादा दिखेगी, वो बुखार तो चल ही रहा है ना, तो बच्चों को और भी अन्य बीमारियां जो है उससे कवर होंगी, जो भी होती है नॉर्मल वो नहीं हो पाएंगे। भैया, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए। हम तो सेफ हो गए हैं, हम तो सेफ हो गए, बच्चों का भी तो देखना पड़ेगा। इससे ज्यादा तो सही है, पहले आना था। अभी ये हो गया था कि स्कूल खुल गए, तो सबसे पहला सवाल यही उठा था कि वैक्सीनेटेड नहीं हुए बच्चे, वैक्सीन नहीं लग पाई उनको। नहीं, लेकिन अब बहुत जितनी जल्दी हो सके लगना चाहिए, शेड्यूल अब जारी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सभी लोग आगे आ रहे हैं इसके लिए। हाँ, तो बच्चों को पहले लेना चाहिए। कोई अपील कर रहे हैं आप गवर्नमेंट से कि चलो मंजूरी तो दे दी? हाँ, लगाना कब से शुरू करेंगे? नहीं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कब करती है, पॉलिसी के ऊपर है उनकी कि वो कब से लॉन्च कर रही है उसे, है उनने भी कोई डिसाइड कर रखा होगा कि कब जो है लॉन्च करना है। अभी तो जितनी जल्दी होना चाहिए, अपने कहने से तो कुछ होना नहीं ना, अपन तो केवल निवेदन कर सकते हैं सरकार से, निवेदन जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि बच्चे जो फिर से 2 साल का गैप हो गया उनका, तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाने में अलग होता है और घर पे पढ़ना अलग होता है। फिजिकली खत्म हो रहा है यार, बहुत फिजिकली, तो बच्चों को बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वो मानसिक बीमार हो रहे हैं बहुत, नहीं उसको संभालने के लिए तो जितनी जल्दी वैक्सीन हो। कई बार क्या है, अभी नेटवर्किंग भी नहीं मिल रही है, कभी जियो बंद हो जा रहा है, कभी कोई बंद हो जा रहा है, नेट प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऑनलाइन का फिर मतलब क्या निकला, या तो ऑनलाइन जो क्लासेज जो है चल नहीं पाती हैं, उस दिन बंद रहती हैं, कहीं नेट मिलता कहीं नहीं मिलता, किसी इलाके में मिलता किसी में नहीं मिलता। आप बच्चों को लग जाए वैक्सीन, फिर सारी समस्या खत्म। क्या लग रहा है आपको? नहीं हो, सही हो। क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं, लगना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा एन के मिश्रा। अच्छा अच्छा, मिश्रा जी, आपके फैमिली में बच्चे होंगे छोटे? है ना, छोटे बच्चे हैं, है ना, डर तो रहता होगा ना उनको लेकर? नहीं है,
मगर अभी ये कॉलेज लेवल पे पहुंच गए, अभी इतना छोटे नहीं है। तो उनके पड़ोस में रिश्तेदारी में होंगे, पड़ोस में हमारे यहाँ बच्चों को तो सबको लग चुका है, लग चुका है सेकंड डोज पूरा। चलिए हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, और देखिए जैसे ही बात पता चल रही है कि हाँ बच्चों को वैक्सीन लगेगी, सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे, सबसे पहले लगवाएंगे। खुशखबरी भी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दरअसल हम बात करें जिस तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, लगातार जताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस तीसरी लहर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी जो पेरेंट्स हैं, मैम बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है 2 से 18 साल के, क्या सोचते हैं आप? अच्छा है, इंतजार था? नहीं इंतजार तो नहीं था, लेकिन आ गया तो अच्छा ही है, सेफ रहेंगे बच्चे। इंतजार ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चे हैं, उनको डर है, खतरा है? नहीं, बच्चों को तो हम लोग प्रोटेक्ट करके रख रहे थे ना, अभी तक स्कूल तो चालू नहीं थे, घर ही में थे बच्चे, अब स्कूल खुल गए हैं तो अच्छा ही है। बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी तो फ्री हो जाएंगे बच्चे, डर खत्म हो जाएगा, है ना? अच्छा है ना, बस शेड्यूल जारी हो जाए लगाने का। बिल्कुल बढ़िया है। अब स्कूल भेजने में हम लोगों को थोड़ा इजी रहेगा, मतलब माइंड फ्री हो जाएगा, है ना, डर नहीं रहेगा। आपको वैक्सीन लगी अभी? हाँ जी सर, लग चुकी है, दोनों डोज हो गए। अब छोटे बच्चे हैं उनको भी मंजूरी मिल गई है जी सर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है ये आपका मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करता है, प्लस ये आपका जो डेथ रेट है वो भी कम करता है। अभी बच्चों को भी अगर वैक्सीनेशन का कंप्लीट डोसेज हो जाएगा तो फिर ट्रैवल वगैरह का जो धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रही हैं रिस्ट्रिक्शंस, वो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। फिर लाइक हम लोग बहुत जल्दी सोच सकते हैं नॉर्मलाइज करने का लाइफस्टाइल जो कोविड के कारण बहुत रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड हो गया। तो ये गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी कि कोविड है उसके साथ रहने की आदत डालनी होगी, हैबिचुअल होना होगा हमको। सर मेरे को ऐसा लगता है कि कोविड-19 इज मोर और लेस सिमिलर टू जो हमारे बाकी के वायरल फीवर्स वगैरह हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक वैक्सीनेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फीवर आता है, सो वी टेक पैरासिटामोल और डोलो 65, तो इट्स मोर लाइक अब उस फीवर कुड बी लाइक अगर वो वायरल है या मोर देन 104 डिग्री ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट करता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। सिमिलरली कोविड में अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो फिर आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा। इट्स मोर लाइक जो बाकी जैसे डिजीजेज हैं, कोविड-19 भी लाइक उसी तरह स्ट्रीमलाइन हो जाए। अब बच्चों का आ गया है, बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर जो पेरेंट्स से नहीं है, बट यस ऑन अ कॉन्ट्रेरी हम भी अब सिस्टम का पार्ट हैं, हम भी इस समाज में रहते हैं। सो आई थिंक हाँ, क्योंकि अभी बच्चे जैसे प्लेग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल भी बंद नहीं है, कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ एजुकेशन सिस्टम, तो आई थिंक कि हाँ स्कूल कॉलेजेस ओपन होंगे तो जो जनरल एक्टिविटीज़ थी बच्चों की, खेलना कूदना जो भी था, वो सब बंद हो गया, क्योंकि सारा स्टडी स्ट्रक्चर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सब ऑनलाइन में हो गया है। तो हाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ को वापस से बूस्ट मिलेगा एंड वी कैन लाइक गो बैक टू अवर नॉर्मलाइज लाइफ। देखिए बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश के यूथ को सुन रहे हैं और यूथ काफ़ी खुश है। ऐसे लोग जिनके घर में बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, लेकिन ऐसे फैमिली जहाँ पर उनके घर फैमिली में छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको भी इंतजार था, क्योंकि जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, बच्चों को बाहर भेजने में पेरेंट्स संकोच कर रहे थे। और आप क्या कहेंगे, बच्चों की वैक्सीन आ गई है? कुछ नहीं अच्छा फील तो कर ही रहे हैं हम। हाँ हाँ अच्छा फील कर रही हूँ मैं, क्या वैक्सीन आ गई, क्योंकि वो ज़्यादा उतने केयर से नहीं रह पाते जितने केयर से अपन लोग रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब कब से लगना शुरू होना चाहिए, आप कोई सजेशन देंगे? जैसी अपन सबकी एडल्टी खत्म हो वैसी शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए हम इस समय बाजार की बात करें तो मार्केट में हैं, और हम जिससे भी बात कर रहे हैं, देखिए अभी हमने ऐसे लोगों से बात की जो बच्चे लेकर मार्केट में आए हैं, हम ऐसे लोगों से भी बात की जिनके फैमिली में बच्चे नहीं हैं, शॉपकीपर हैं। सर क्या हाल है आपका? हम आपके पास बार बार आते रहे हैं, आज फिर आए हैं। बच्चों की वैक्सीन आ गई है? लगना चाहिए ना। लगना चाहिए, इंतजार था? नहीं जरूरी है ना, सबके साथ लग जाए तो बेफिक्री हो जाएगी। और हमने ये भी देखा है जब भी हम आए हैं, आप प्रॉपर जो कोविड गाइडलाइन है उसका आपने बकायदा पालन करते हैं। पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक मास्क मैंने उतारा नहीं, अब दो एक अभी उतारा सुबह जी, दो तीन अभी रखे हैं। जी जी, आपकी फैमिली में बच्चे तो होंगे, है ना? है ना, उनको बाहर निकलते नहीं निकलते हो? मेरी बात सुनिए जी जी, मैं और मेरी मिसेस साथ रहते हैं। सुना साहब,
मैं और मेरी मिसेज साथ रहते हैं, बच्चा अलग रहता है, एक बच्चा बाहर रहता है जी। बच्चे बड़े हैं ना, 46 साल 44 साल, पोते वगैरह सब हैं। हाँ फिर पोते हैं, हाँ, उनको लेकर भी चिंता रहती होगी जी, सबको लगना चाहिए। नहीं पोते पोते को लग गया, सब लग गया है, वो 18 से ऊपर है सब। अच्छा 18 से ऊपर है, रिश्तेदारी में है, पड़ोस में है? नहीं, नहीं, हमारे खास पोते पोता पोती उनको लग चुके। अच्छा अच्छा ठीक है, डिसीजन ठीक है। ठीक है, आप आपको इंतजार था कि बच्चों को वैक्सीन आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना साहब, आना चाहिए क्योंकि सबको लग जाएगी तो बेफिक्री हो जाएगी, थोड़ी बेफिक्री हो जाएगी। देखिए जो मूल बात कही है, मूल बात ये कही है कि सारे बच्चों को वैक्सीन लग जाए। मोदी है तो सब कुछ है। जी जी क्या कहेंगे? मोदी है तो सब कुछ है, ये वैक्सीन तो साइंटिस्ट बनाते हैं ना। लेकिन मोदी थोड़ा सही आदमी है, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। अच्छा, बाकी इसकी जगह कांग्रेस होती तो फेल थी। नहीं नहीं, ये जो वैक्सीन है ये तो साइंटिस्ट बनाते हैं ना। सही है, लेकिन मोदी भी है उसमें, सपोर्ट मोदी का भी है ना। अच्छा, गवर्नमेंट का सपोर्ट है? गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना, बाकी दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती ऐसा। नहीं कर सकती थी कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया था। हम तो मैंने खुद नहीं, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे आज तो हम। मैंने तो नेहरू जी को भाषण भी सुना है, नेहरू जी को भी देखा है। अच्छा देखे हैं आप? ताजमहल में पढ़ता था, शाहजहाँबाद ताजमहल में जी, वहाँ निकलते थे जब, लाल गाड़ी वगैरह में कुछ नहीं था। तो भोपाल आए थे नेहरू जी? आए थे ना, मैंने 64 में लाल परेड पर उनका भाषण भी सुना। 64 से पहले? ये आप 64 के पहले की बात बता रहे हैं? हाँ, हम ताजमहल में पढ़ते तो हर साल आते थे भोपाल, जैसे जब भी आते लाल रास्ता तो वही था निकलने का जी। तो हम ये देख पा रहे हैं इस समय बाजार में हैं, मार्केट में हैं, और लोग जो है बच्चों की वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो है। मैम क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है? हाँ। बच्चों की वैक्सीन आ गई है? हाँ, आई नो, आई एम जर्नलिस्ट, मैं ऑब्जर्वर पोस्ट की ब्यूरो चीफ हूँ। जी जी जी। तो कोवैक्सीन को आज मंजूरी मिल गई है 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को जी, और मेरा लफड़ा नहीं है, बच्चों चैनी शादी की नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे? देखिए आप, परिवार तो बड़ा होता है ना, पूरा शहर है। भोपाल में पत्रकारिता में पिछले 30 साल पहले मैं अकेले आई थी, आज भी अकेले हूँ भोपाल में, और परिवार तो बच्चे सब शादी ब्याह हो गए भाइयों के। तो एक एक होता है ना कि सिस्टम भी अपने फैमिली हो जाता है। जरूर हुआ कि कोवैक्सीन आने से जितने बच्चों को लेकर आशंकाएं थी, स्कूल बंद थे, एक उत्साह है, और बच्चों की सुरक्षा मस्ट थी, क्योंकि जो थर्ड वेव है वो ऐसा माना जा रहा था बच्चे टारगेट होंगे, है ना जी। तो आप कौन से चैनल से हैं? जी 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 मैम, हम News24 MPCG से हैं, और बच्चों में यही एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जरूर जो है वैक्सीन लगवाएं, हम इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, और भी हम लोगों से बात कर रहे हैं अभी। मैम बच्चों की वैक्सीन आ गई है, क्या फील कर रहे हैं आप? दरअसल देखा जाए तो अभी त्योहारी सीजन है, और जो लोग भी ख़रीदारी करने आ रहे हैं उनको जाहिर तौर पर अपने बच्चे भी लेकर बाहर आना पड़ रहा है। मैम बच्चों की वैक्सीन आ गई है, मंजूरी दे दी है गवर्नमेंट ने, 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग सकेगी, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं हम तो, भाई हमारे बच्चे श्योर हो जाएंगे, बाहर लेके घूम सकेंगे उनको, अभी जो अंदर बंदिश हुई है उनकी हेल्थ के प्रति, स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारे बच्चे लास्ट 2 ईयर से स्कूल नहीं गए हैं, सो वो स्कूल जाने लगेंगे, इसलिए हम हैप्पी हैं। हम लोग को लग गई है, हम देख पा रहे हैं कि आप मार्केट में आए हैं, बहुत ही सेफ्टी के साथ आए हैं, बहुत ज़्यादा आपने प्रिकॉशन ली हुआ है, बच्चा भी मास्क लगाया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि वैक्सीन हमको लगी है, बच्चों को नहीं लगी हुई है। बाकी आप मार्केट में देख सकते हैं बहुत सारे कैजुअल हो गए हैं, जैसे कि भूल ही गए हैं कि कोरोना है भी कि नहीं है, बट स्टिल कोरोना है, सो हम लोग सेफ्टी के साथ घूम रहे हैं, और इसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, फेस्टिवल टाइम है तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, दैट्स वाई हम विथ मास्क, एंड वी आर सो हैप्पी कि गवर्नमेंट ने जल्दी से स्टेप लिया और बच्चों के लिए भी मेडिसिन आ गई हैं। थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट। शेड्यूल का वेट तो होगा ना? हाँ वेट तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, जब हमने हमारी वैक्सीन के लिए वेट किया है तो बच्चों के लिए भी हम वेट कर रहे हैं। बेटा बेटा क्या नाम है आपका? याश्री कुमार। फिर से बताएंगे नाम? याश्री कुमार। याश्री? हाँ। ओके, आपको पता है कोविड है इसलिए मास्क लगाया आपने, वैक्सीन आ गई आप लगवाएंगे?
नहीं लगवाएंगे? क्यों? हाँ, लगवाओगे? दवाई है। अच्छा, इंजेक्शन की जगह यदि आपको ओरल यदि पीने के लिए दी जाए दवाई तो आप पियेंगे? अच्छा, मतलब इंजेक्शन ही लगवाना ओनली आपको है ना? देखिए बच्चे बच्चे जो है सिर्फ इंजेक्शन से डर रहे हैं, बाकी वो भी चाहते हैं कि वैक्सीन लग जाए, क्योंकि दे विल ओपन फॉर प्लेइंग, क्योंकि हम बाहर नहीं भेजते हैं, अभी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के पार्क बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, सो एटलीस्ट वैक्सीन लगने से उनकी जो हमने उनको बांध रखा है उनकी बंदिशें हैं वो ओपन हो जाएंगी ना, इतना तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग अपन लोगों को तो लग चुकी हैं, बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा क्योंकि इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, हमें पता है कोविड है, बट फ्रेंड्स के साथ जाके ये सब भूल जाते हैं, ये अपनी खेलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब, ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैम आप कुछ कह रहे थे? यही कि मैं लग जाएगी बच्चों को वैक्सीन तो हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे कि हाँ मेंटली के भाई हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, हाँ उनका फ्यूचर भी सुरक्षित है, एज बढ़ सकती है उनकी, ये है कि हमारे सामने बच्चे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, है ना, मेंटली रूप से फ्री हो जाएंगे। हाँ, मेंटली रूप से। मैम हम ये दरअसल ये बात कर रहे थे, बच्चों की वैक्सीन आ गई है, मंजूरी मिल गई है 2 से 18 साल, आप क्या फील कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वैक्सीनेशन आ गया है, तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम अपने बच्चों को फ्री होकर कहीं भी घुमा सकते हैं, फिर जो अभी तक लॉकडाउन में बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे थे, तो वो हम लोगों के लिए बहुत बेहतर हो गया है, बहुत सुविधा हो गई कि चलो इनको भी वैक्सीन लग जाएगी तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, नहीं तो बच्चे घर में थे ना, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे जब से, तो उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। आपने स्कूल शुरू हुए हैं, बच्चों को भेजना शुरू किया स्कूल? नहीं, अभी नहीं किया, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो फिर स्कूल कैसे भेजें, इतना बड़ा रिस्क तो हम ले नहीं सकते, बिल्डाबॉन्ग में पढ़ती मेरी बेटी, तो मैंने हमारा स्कूल से भी मैसेज आया था, लेकिन अभी छोटी क्लास में, मतलब एक इसलिए नहीं भेजा आपने कि वैक्सीन नहीं लगा बच्ची को? हाँ, यही सोच के, रिस्क है बच्चों के लिए तो काफी रिस्क है। बेटा क्या नाम है आपका? इलिशा। ओके, कौन सी क्लास में है आप? सेकंड। आपके लिए वैक्सीन आ गई, आप लगवाएंगे? लगवाएंगे, उससे क्या होगा? उससे मैं सुरक्षित रहूंगी। अच्छा, आप सुरक्षित रहेंगे, देखिए बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, किस चीज से सुरक्षा हो जाएगी आपकी? कोरोना से बचूंगी। कोरोना से बचेंगे? देखिए अब छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको पता है कोविड क्या है, कैसे बचा जा सकता है, बच्चे बहुत बहुत अपडेट हैं, और मैं तो यही चाहूंगी कि सभी लोगों को लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए स्पेशली जरूरी है। तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर अभी मार्केट में निकले हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनको इस बात की जानकारी लग रही है कि बच्चों की वैक्सीन आ गई है, देखिए चेहरे खिले हुए हैं, और तमाम पेरेंट्स का यही कहना है कि यदि उनको मौका मिले तो फर्स्ट डोज लगवाएं। हालांकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले रिव्यू देखेंगे कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, भोपाल।